तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास का हिंदी। जी बिल्कुल, आप लोग सही सुने, आज मैं पढ़ाऊंगी 10th क्लास का हिंदी। और ये हिंदी उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th क्लास में उर्दू लिए हैं। देखिए, जो स्टूडेंट 10th क्लास में संस्कृत लिए रहते हैं ना, उनका हिंदी अलग होता है। लेकिन जो स्टूडेंट 10th क्लास में उर्दू लिए रहते हैं, उनका भी हिंदी अलग होता है। और उस हिंदी को बोलते हैं हम लोग नॉन हिंदी, और हिंदी में बोलते हैं उसको अहिंदी या फिर किसला हिंदी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि वो स्टूडेंट के लिए है जो उर्दू सब्जेक्ट को लिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट को लिए हैं, वो आज से हिंदी पढ़ना शुरू कर दें। बहुत जल्द संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए भी हिंदी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, और जितने भी संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं वो तब से हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं 10th क्लास का अहिंदी यानी कि नॉन हिंदी स्टार्ट की हूँ और फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में उर्दू लिए हैं, उनके लिए ये हिंदी है, तो वो आज से पढ़ना शुरू कर दें। आज से हिंदी का भी बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उसके बाद लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूंगी तो पढ़ने में ही खो जाएंगे, लाइक शेयर करना भूल ही जाएंगे। तो अभी के अभी कर लीजिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जो आप लोगों के अ हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वो है तू जिंदा है तो। ये जो है चैप्टर एक कविता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोएम और उर्दू में बोलते हैं नज्म। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? तू जिंदा है तो, ये एक कविता है। और इस कविता के लिखने वाले यानी कि रचनाकार, रचनाकार कहते हैं कि रचना करने वाले, यानी कि इस कविता को किसने रचित किया है, किसने लिखा है, तो वो लिखे हैं शंकर शैलेंद्र। देखिए, रचनाकार भी बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के रचनाकार कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर के कवि कौन है, क्योंकि ये चैप्टर जो है एक कविता है, तो इस चैप्टर के कवि भी बोल सकते हैं शंकर शैलेंद्र, ठीक है। तो दो तीन तरह से बोल सकते हैं आप लोग, और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो इस चैप्टर के, इस कविता के जो है लेखक कौन है। ज़रूरी नहीं है कि रचनाकार ही पूछेगा, लेखक भी पूछ सकता है या फिर कवि भी पूछ सकता है, तो वो होगा शंकर शैलेंद्र, ठीक है। अब चलिए जरा इस कविता को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कविता है ना, मोटिवेशन से भरपूर कविता है। ये कविता आप लोगों को मोटिवेट करती है अपने ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सफलता को पाने के लिए। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य को बना कर रखे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो कविता है आप लोगों को मोटिवेट करती है। ये मतलब कविता क्या बताए, इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है ना, शंकर शैलेंद्र इतना खूबसूरत तरीके से इस कविता को लिखे हैं कि सारी बातें इसमें डाल दिए हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप जिस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए और आप अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा अग्रसर हो जाए। वैसे लोग जो अपने पास्ट को हमेशा याद करते रहते हैं, अपने अतीत को याद करते रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मतलब अपने पास्ट के गम में डूबे रहते हैं, दर्द में डूबे रहते हैं, या फिर कुछ भी अपने पास्ट टाइम का याद करते रहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, उन लोगों के लिए तो ये खास तौर से कविता बनाई गई है। ये कविता उन लोगों को मोटिवेट करती है कि देखो, तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़ा, तुम किस तरह भी बोल दिए, कोई इंसान तुमको भी किस तरह क्यों ना बोल दिया, लेकिन अब वो गुजर गया ज़माना, वो गुजर गया वक्त, अब उसको भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करो, और उस प्लानिंग जो तुम किए हो उस प्लान पर खड़े उतरे हो, उस पर काम करो और अपने सफलता को अचीव करो। बार बार मेहनत करने पर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने आप में कमी ढूंढो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, और उस कमी को सुधारो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, लाइफ में परेशानी और मुश्किल आना ही आना है, लेकिन क्या आप उस परेशानियों से डर कर पीछे हट जाएंगे? नहीं, उससे लड़िए। जो भी आप लोगों के ज़िंदगी में परेशानियाँ, जो भी मुश्किलें, जो भी दर्द आता है, उससे लड़िए, उससे फेस कीजिए। देखिए, आप लोगों के ज़िंदगी में जितना ही बड़ा दुख आएगा, जितना ही बड़ा परेशानी आएगी, समझ जाइए कि उससे बड़ा आप लोगों को अचीवमेंट मिलने वाली है, जितना ही बड़ा। देखिए, आप कोई काम करने जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि क्यों रुकावट आती है, जितना ही बड़ा रुकावट होगा समझ जाइए उससे मिलने वाली सफलता उससे बड़ी है।
ठीक है। तो आप अपने आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आती है ना, तो ये सोच कर लड़िए उस परेशानी से कि इस परेशानी के बाद मुझे सफलता मिलेगी, इस परेशानी के बाद मुझे इससे भी बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। जितना बड़ा परेशानी खुदा तुमको देगा उतना ही बड़ा अचीवमेंट भी देगा। अगर तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन जीत ज़रूर मिलेगी। खुदा तुम्हें ज़िंदा रखा है तो अपनी ज़िंदगी पर यकीन करो ना कि खुदा तुम्हें ज़िंदा रखा है तो एक ना एक दिन तुम्हें जीत देने के लिए, अपने सक्सेस को अचीव के लिए ही जिंदा रखा है। तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें जिंदगी क्यों मिली है कि एक ना एक दिन तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। इस यकीन के साथ आगे बढ़ो। तो ये सारी बात जो है आप लोगों को इस कविता में देखने को मिलेगी। चलिए मैं आप लोगों को इस कविता का हर एक एक लाइन पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आप लोगों को मैं बुक दिखा दे रही हूँ। ये आप लोगों के 10th क्लास के नॉन हिंदी यानी अहिंदी का किताब है जो कि 8th क्लास का किताब चलता है। देखिए किसले नाम है ना, तो इसको किसले हिंदी भी बोलते हैं या फिर अहिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो कि तू जिंदा है इस कविता का मैं हर एक एक लाइन को पढ़कर खुलासा करती हूँ, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मालूम चल ही गया है कि इस कविता में जो भी पास्ट टाइम है, जो आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी गुजर चुका है उसको भुलाकर आगे बढ़ने का मोटिवेशन इस जो है ना कविता में भरा गया है। तो देखिए इस कविता में शंकर शैलेंद्र पहले क्या लिखे हैं कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। बोल रहे हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो अपनी ज़िंदगी पर यकीन करो कि तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग, ठीक है, अगर तुम्हें कहीं भी खुशी दिखाई देती है तो उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, ठीक है, उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में उतार लाओ, अपने ज़मीन पर उतार लाओ। ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हज़ार दिन। बोला जा रहा है इस कविता में कि ये जो गम तुम्हारे ज़िंदगी में आया है, ये जो सितम आया है, बस ये चार दिनों के लिए है। इस चार दिन के गम को, इस चार दिन के परेशानियों को तुम झेल ले, इसको क्या कर ले, इससे लड़ ले, तो ऐसा दिन ये गुजरेगा कि लगेगा कि गुजरे हुए हज़ार दिन हो गया है, ठीक है। तो ये जो ज़िंदगी में तुम्हारे परेशानियाँ और गम आता है ना, बस चार ही दिन के लिए आता है, बस तुम इससे लड़ ले, ठीक है, इसका सामना कर, उसके बाद से तो ये गम ऐसा जाएगा कि लगेगा कि गुजरे हुए इसको हज़ार दिन हो गया है, ठीक है। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। बोला जा रहा है कि कभी तो होगी इस चमन पे, यानी कि कभी तो मुझ पर खुदा का नज़र पड़ेगा। अभी खुदा हम पे ध्यान नहीं दे रहे तो क्या हो गया, मैं बहुत सारे परेशानी और मुश्किलों में डूबा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार ज़रूर खुदा का मुझ पर नज़र पड़ेगा और उस दिन तो मैं कभी ना कभी एक दिन सफल व्यक्ति बनूंगा, मैं अब जो कुछ भी मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं भी स्वर्ग दिखाई देता है, कहीं भी खुशी दिखाई देती है, तो उसको ज़मीन पर उतार ला, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, ठीक है। खुशी जब आप लोग के ज़िंदगी में होती है ना, तो एक तरह से मुश्किलों का सामना करने का हिम्मत और जुनून मिलता है। दुख में पहले से ही रहेंगे और दुख में रहेंगे तो आप मुश्किल से कैसे सामना कर पाएंगे। तो अब हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए और खुशी से मतलब अपनी मुश्किलों का सामना कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ज़िंदगी में खुश रहते हैं ना, तो मुश्किल का सामना, परेशानियों का सामना करने का एक तरह से ताकत मिलता है आप लोगों को। कि आगे देखिए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। बोल रहा है कि जिस तरह सुबह और शाम का जो आसमान का रंग होता है वो बदल जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे ज़िंदगी में भी परेशानियाँ रंग बदल बदल के आएंगी, लेकिन तुमको उन परेशानियों को देख कर पीछे नहीं हटना है, डर कर कभी भी अपना कदम पीछे नहीं रखना है, अपना कदम डट कर आगे बढ़ाना है और उन परेशानियों का सामना करना है, उससे लड़ना है और उन परेशानियों को हरा देना है। तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, यानी कि तू सुन जमी कब से, ये जो ज़मीन है कब से झूम झूम कर गा रही है कि ज़िंदगी है तो उसमें सुख और दुख लगा ही रहेगा। अगर दुख ना रहे ज़िंदगी में तो लोग सुख का महत्व भूल जाएंगे, ठीक है, सुख का महत्व ही नहीं रहेगा। अगर लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख रहे, खुशी ही खुशी रहे, तो लोग जो है ना सुख का महत्व भूल खो देंगे, उनको मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए अगर ज़िंदगी में दुख है तो दुख के बाद जो सुख मिलती है ना, तो उसका महत्व अलग ही होता है। तभी तो लोगों को सुख का महत्व समझ में आता है कि हाँ सुख और खुशी जो है कितनी बड़ी चीज़ है। इसीलिए ज़िंदगी में दुख भी आता है ताकि दुख के बाद जब आप लोगों को सुख मिले ना, तो उसका महत्व आप लोगों को समझ में आए। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की ज़िद पर यकीन कर। वही बोला जा रहा है कि तू आ और अपनी ज़िंदगी को सवार, अपनी ज़िंदगी को श्रृंगार कर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम प्लानिंग बना, ठीक है, अपने पूरी ज़िंदगी को सवार ले,
कि मुझे आगे कैसे करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह प्लानिंग करना है और किस तरह उस पर वर्क करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो उस पर प्लानिंग कर, उस पर 100% खरा उतर, उस पर वर्क कर और अपने लक्ष्य को अचीव कर ले। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, यानी कि अगर कहीं भी तुझे खुशी दिखाई देती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, ज़मीन पर उतार ला। तो ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर तू ज़िंदा है तो इस ज़िंदगी पर यकीन कर कि तुझे जीत ज़रूर मिलेगी। 1000 भेस धर की आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। कहा जा रहा है कि 1000 भेस धर के मौत तेरे द्वार पर आएगी, 1000 भेस धर के परेशानियां मुश्किल मौत तेरे द्वार पर आएंगी, लेकिन तुझे उस परेशानियों से, उस मौत से, उस जो भी परेशानियां तेरे सामने आई है उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ना है ताकि वो जो मौत है, वो जो परेशानियां है तुझे छल ना सके और वो हार कर चली जाए तुझसे। ठीक है, मुंह के बल गिरे परेशानियां, तू इतना डट कर सामना कर उन परेशानियों से। ठीक है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। बोला जा रहा है कि नई सुबह के साथ तुझे सदा जो है नई उम्र मिलती है, तो नई सुबह के साथ पूरे नए जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो, कुछ नया करो, हर दिन कुछ नया सोचो और हर दिन कुछ नया करो और अपने सफलता को अचीव करने के लिए इस पर प्लानिंग करो नए जोश और जुनून के साथ और अपने सफलता को अचीव करो। ठीक है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं भी तुझे खुशी दिखाई देती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। ठीक है, अपने जिंदगी अपनी ज़मीन पर उतार लाओ, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तुम जिंदा हो तो ज़िंदगी पर यकीन करो, अपने जीत पर यकीन करो कि तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर जीत मिलेगी ही मिलेगी। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। बोला जा रहा है कि जो तुम हो, तुम्हारे काफिलों को, यानी कि तुम्हें जितने भी जानने वाले लोग हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम्हें कब मंजिल मिलेगी। तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे काफिलों को, तुम्हारे जानने वाले लोगों को तुम्हारे मंजिलों का इंतज़ार है कि तुम्हें कब मंजिल मिलेगी। ठीक है, और तुम्हारे इस मंजिल के सफ़र, मंजिल को पाने के सफ़र में बहुत सारी परेशानियां जो है आंधी और बिजलियां बनकर तेरे पीठ पर सवार होंगी, लेकिन तुमको क्या करना है, इन आंधियों और इन बिजलियों जो कि आंधी और बिजली बनके तुम्हारे सामने परेशानी आई है, इनके पीठ पर सवार होकर तुम्हें अपने जीत का परचम लहराना है और सारे काफिलों को बता देना है कि देखो मुझे मंजिल मिल गई। ठीक है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। वही बोला जा रहा है कि तू आ और इन परेशानियों के साथ कदम से कदम मिला के चल, देख रहे हैं कि ये जो परेशानी है तेरे साथ कब तक कदम से कदम मिलाकर चलती है, जब तक ये परेशानियाँ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी तू भी चल, एक कदम भी पीछे नहीं हटना, एक ना एक दिन ये परेशानियाँ ज़रूर पीछे हटेगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, यानी कि अगर तुझे कहीं भी खुशी दिखाई देती है तो उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। अगर तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी पर यकीन कर और अपने जीत पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन ज़रूर जीत मिलेगी ही मिलेगी। ज़मीन के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टीके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ज़मीन से भी, ये जो ज़मीन है जिस पर आप रहते हैं, इससे आप लोगों को दुख भी मिलता है, परेशानियां भी मिलती है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कभी जो है भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाती है, तो कभी बहुत तेज़ आंधी आ जाता है, तो ज़मीन भी जो है ना आप लोगों को दुख देती है, लेकिन हाँ ज़मीन से भी आप लोगों को सुख मिलता है। क्या चीज़ का, कि इस ज़मीन से निकले हुए फल सब्जियों को ही तो आप खा कर ज़िंदा रहते हैं, इस ज़मीन के पानी को ही पी कर तो आप ज़िंदा रहते हैं। जो ज़मीन आप लोगों को सुख दे सकती है वो दुख भी दे सकती है, तो इसीलिए इससे ये बताया जा रहा है कि ये जो है तुम्हारे ज़िंदगी में जो है ना सुख और दुख साथ में रहेंगे, अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। जिस तरह ये जो ज़मीन है वो तुमको दुख दे सकती है और उसके बाद सुख भी दे सकती है, दुख भी दे रही है सुख भी दे रही है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे ज़िंदगी में खुदा जो है दुख भी देता है और सुख भी देता है, डिपेंड तुम पर करता है कि तुम उस दुख को, उस परेशानी से लड़ पा रहे कोई नहीं। लड़ लोगे तभी तो उसके बाद सुख मिलेगा, तुमको खुशी मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगा। तो जो भी आप लोग की ज़िंदगी में परेशानियां आती है उसे लड़िए, ताकि उस परेशानियों को हराने के बाद जो उसके आगे सुख मिलेगा, उस अचीवमेंट मिलेगी, वो आप प्राप्त कर सके, उसको ले सके। ठीक है, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कितने भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए आप लोग की ज़िंदगी में, उस मुसीबतों का सर कुचल कर एक साथ चल, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर तुझे कहीं भी खुशी दिखाई देती है तो उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। तू जिंदा है तो अपनी ज़िंदगी पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन ज़रूर जीत मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़िए,
कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। बोला जा रहा है कि जो पेट की आग है ना, खाली पेट होता है, ये जो पेट की आग है और ये जो दिल का दाग है, किसी भी इंसान को अगर दर्द मिला होता है किसी भी इंसान से, अगर कोई इंसान उसको धोखा दिया रहता है या फिर किसी भी इंसान से उसको दर्द मिला रहता है, और उसकी जो पेट की आग होती है यही एक ऐसा रीज़न होता है जो कि किसी भी सफलता की ओर अग्रसर करता है, सफलता को पाने के लिए मोटिवेट करता है। ये जो दिल का दाग और पेट की आग होती है यही उस इंसान को मोटिवेट करती है कि तू अपने सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ये जो दिल का दाग और पेट का आग है ये कभी नहीं दब सकता, यही उस इंसान को मोटिवेट करते रहता है कि देखो ये दर्द तुम्हें क्यों मिला, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये तुम्हारे पेट में आग क्यों है, क्योंकि तुम्हारा खाली पेट क्यों है, क्योंकि तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, सफलता को अचीव करो, ताकि सभी लोग ये देख सके कि देखो ये कैसा था अभी कैसा है, ठीक है। अपनी सफलता को अचीव कर लो, और अपनी सफलता को अचीव करके बताओ कि देखो आज मैं अपने सक्सेस, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि जो दिल का दाग होता है और पेट की आग होती है इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, यही एक दिन इनकलाब बनता है। देखते हैं कोई भी इंसान जो है उसको धोखा मिला रहता है ना, तभी वो सक्सेस होता है। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। बोला जा रहा है कि तुम्हारे सामने ये जो जुल्म का महल है, तुम्हारे सामने ये जो परेशानियों का महल खड़ा हो चुका है, ये जो महल है एक ना एक दिन ज़रूर गिरेगा और फिर से एक नवीन घर, नया घर बनेगा में तेरा सक्सेस दिखाई देगा, सिर्फ तेरी खुशियां ही खुशियां होंगी। इसीलिए तुम्हारे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां, कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम्हें उससे डर कर पीछे नहीं हटना है, डट कर उससे सामना करना है और उसको हरा देना है। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने जो है वो परेशानियां घुटने टेक देंगी, ठीक है। तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर तुझे कहीं भी खुशियाँ दिखाई देती है तो उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करना, अपने ज़मीन पर उतार ले। जिंदा है तो अपने ज़िंदगी पर यकीन करो कि तुझे एक ना एक दिन ज़रूर जीत मिलेगी। तुम जिंदे हो किस लिए, ज़िंदा रखा है खुदा तुम्हें एक ना एक दिन सक्सेस देने के लिए, एक ना एक दिन जीत देने के लिए। तो ये था आप लोगों का तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर नाम का ये कविता। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना जाए, उससे डर कर पीछे नहीं हटिएगा। ये कविता हम लोगों को यही मोटिवेशन देती है, और सच में अपनी ज़िंदगी के रियल लाइफ में यही चीज़ को हमको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करनी चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानियाँ, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना जाए, आप उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से ये सोच कर लड़िए, ये सोच कर फेस कीजिए कि जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है ना उतना ही बड़ा मुझे अचीवमेंट मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।